रात को जब पुलिस वहाँ पहुँची थी तो मेरी 60 साल की 62 साल की माँ है, उसकी हार्ट अटैक से मौत भी हो सकती थी, एक परिवार भी ख़त्म हो सकता था। इस तरीके से मेरे हाथ वहाँ पर हिल रहे थे, जो परिचायक थे इस बात का कि पुलिस ने किस तरह से 3rd degree दी गई है। घटनाक्रम सिर्फ इतना था, 8 तारीख को समाजवादी पार्टी के दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी विनय अग्रवाल जी और क्षमा जैन सक्सेना वहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे थे। यहाँ पर हमारे एक स्थानीय पत्रकार हैं, उन्होंने एक समाचार चलाया था। उसके बाद मेरे को समाचार मिला, मैं मौके पर पहुँचा, जहाँ पर बीरेन सिंह चौहान जी जो एतमादपुर से प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, वो आ गए, और वहाँ पर जो थाना एतमादौला के SO थे शर्मा जी, वो आ गए। दोनों में तकरार होने लगी भयंकर वाली, तो मैंने उसका वीडियो बनाया, मैंने दिखाने का प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और सत्यदेव शर्मा जी हैं, उनके बीच में तकरार हो रही है। और ये घटनाक्रम को जब मैंने दिखाया तो जाहिर सी बात है वो मुझसे उस घटनाक्रम से नाराज हो गए। 10 तारीख को मैंने ये पाया कि 2 मुकदमे फर्जी लिख दिए गए 7 CLA में, जिसमें ये दर्शाया गया है कि मैं 15 लोग लेकर के मंडी समिति के अंदर गया और एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर UPSC FD 1633 जो मेरे नाम से है, उसमें 15 लोग लेके गया मैं चालक के। उसके बाद मैंने वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करी, EVM को बदलने का आरोप लगाया। उसके बाद मैंने एक SI 3 पुलिस वालों को मारा, कब, जब SHO मौके पर वहाँ मौजूद थे मैं फोर्स के, और बाहर खुद CO जो दीक्षा सिंह जी हैं वो मौजूद थी, और ACM मौजूद थे, हजारों की संख्या में पुलिस बल मौजूद था, तब मैंने उनको मारा। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और झूठी घटना कभी नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ देश के इतिहास में ये काला अध्याय है, जिस तरीके से एक अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर चल रही है वो देखी गई। रात को लगभग 80 पुलिस वाले मेरे पास आते हैं और 80 पुलिस वाले मुझे एक अपराधी की तरह घर से लेके जाते हैं। रात को जब पुलिस वहाँ पहुँची थी तो मेरी 60 साल की 62 साल की माँ है, उसकी हार्ट अटैक से मौत भी हो सकती थी, एक परिवार भी ख़त्म हो सकता था। इस तरीके से मेरे हाथ वहाँ पर हिल रहे थे, जो परिचायक थे इस बात का कि पुलिस ने किस तरह से 3rd degree दी गई है। जेल में एक आगरा के आला अधिकारी के निशाने पर दुर्व्यवहार किया गया है, और वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं इस पूरे प्रकरण की माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में CBI जांच की मांग करता हूँ।